बहन बेटी की रसोई में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाएंगे। उज्ज्वला योजना ने बिहार की भी करीब 90 लाख महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त किया है। हमने कहा था हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। आज बिहार के भी हर गरीब को ये सुविधा मिल रही है। और भाइयों और बहनों, कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। 130 करोड़ का देश दुनिया को अचरज हो रहा है। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए। आज बिहार के भी गरीबों के लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के दिनों में सरकार की इन योजनाओं ने गरीबों की बहुत मदद की है। साथियों, इस क्षेत्र में पानी से होने वाली बीमारियों की दिक्कत हमेशा से ही रही है। इस दिक्कत का एक बड़ा इलाज है हर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। बीते समय में पूरी ताकत से बिहार में ये काम किया गया है। अगर मैं दरभंगा और मधुबनी की ही बात करूं तो इस क्षेत्र में 11 लाख से ज्यादा घरों को पाइप कनेक्शन से जोड़ा गया है। बहुत जल्द बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां पर घर में पीने का साफ पानी पाइप से ही पहुंचेगा। तब ये गंदे पानी से होने वाली बीमारी नहीं होगी। किसी माँ को खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आज बिहार के जन जन को आश्वस्त करने वाला है। एनडीए ने, भाजपा ने विकास का जो रोड मैप अपने मैनिफेस्टो में खींचा है उस पर तेजी से अमल होगा, ये तय है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया है उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। एम्स बनने से यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर पार्क बनने से भी यहां के प्रतिभाशाली युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर मिल रहे हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाएं मिलने से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी।
रामायण सर्किट का अहम हिस्सा होने के कारण मिथिलांचल में पर्यटन तीर्थाटन की संभावनाओं का विस्तार होगा। आत्मनिर्भर बिहार में उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे, युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर बनेंगे, गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका लाभ भी इस क्षेत्र के युवाओं को मिल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने हमारे दलित पिछड़े अति पिछड़े भाई बहनों के लिए आरक्षण को जो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है वो भी यहां के नौजवानों के लिए लाभकारी है। साथियों, बिहार की मिथिलांचल की कनेक्टिविटी को पीएम पैकेज से भी बहुत ताकत मिल रही है। पीएम पैकेज के तहत बिहार के गांवों में हजारों किलोमीटर की सड़कों पर काम हुआ है। 55,000 करोड़ रुपए उससे भी अधिक बिहार के रोड नेटवर्क पर खर्च किए जा रहे हैं। दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी के आसपास में रोड कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का लाभ भी इस क्षेत्र को होगा। साथियों, पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ क्या क्या हुआ ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं, भली भांति जानते हैं। 2003 में जब हमारे मित्र नीतीश जी अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब इस क्षेत्र मांग को पूरा करते हुए अटल जी ने महासेतु का काम शुरू करवाया था। लेकिन उनके बाद जिस तरह इस पर काम हुआ उससे लगता था कि मिथिलांचल की जनता का यह सपना सपना ही रह जाएगा। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद और यहां नीतीश जी की ताकत मिलने के कारण कोसी महासेतु का काम कई गुना तेजी से आगे बढ़ा और कुछ दिन पहले ही मुझे कोसी महासेतु के लोकार्पण का सौभाग्य मिला। इससे 300 किलोमीटर की दूरी 20-22 किलोमीटर तक सिमट गई है। अब 8 घंटे की यात्रा सिर्फ आधे घंटे में ही पूरे होने लगी है। साथियों, ऐसी सुविधाएं किसान, व्यापारी, उद्योग जगत, विद्यार्थियों को, हर किसी को लाभ देती है और युवाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करती है। बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को विकास के ऐसे ही कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मतदान करना है। साथियों,
बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल। यहां मिथिला पेंटिंग, कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्य प्रतीक डी ई मिथिला थी। ऐसे में पान माछ मखाना इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। समस्तीपुर तो एक प्रकार से देश में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी रिसर्च का हब बन चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपने देखे थे वो अब पूरे होते दिख रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत इस क्षेत्र के अनेक जिलों में मछली के उत्पादन से लेकर चारे तक के अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। जब करोड़ों का निवेश यहां होगा, युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी तो बड़ी मात्रा में नए रोजगार तैयार होंगे। साथियों, फसल हो, दूध हो, सब्जी हो, मछली हो, कोशिश ये है कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो बेहतरीन उत्पाद पीढ़ियों से उपजते हैं या तैयार होते हैं उनसे जुड़े उद्योग लगाए जाएं। इसके लिए जरूरी सुविधाएं गांवों में तैयार की जा रही है। गांवों में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। गांव में इन सुविधाओं के लिए निवेश बढ़े इसके लिए जरूरी कानूनी सुधार किए गए हैं। छोटे किसानों को बिचौलियों से, उनकी चंगुल से बाहर निकालकर कृषि उत्पादक संघों FPO से संगठित किया जा रहा है। ऐसे ही FPO और दीदियों के समूह भंडारण की सुविधाओं से लेकर कृषि उद्योगों तक को चलाने वाले हैं। बिहार के युवा उद्यमियों, स्टार्टअप्स के लिए भी अनेक अवसर नए कृषि सुधारों से बनाए जा रहे हैं। साथियों, दरभंगा सहित मिथिलांचल के एक बड़े हिस्से में आप अगले चरण में मतदान करेंगे। राज्य के अन्य क्षेत्र के लोगों ने जो प्रण किया है उसी प्रण का आपको भी ध्यान रखना है। ये प्रण बिहार के भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं बिहार में जंगल राज लाइन लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं बिहार की महिलाओं का जीना दूभर कर देने वालों को फिर हराएंगे।
साथियों, जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशनखोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। भाइयों और बहनों, एक तरफ एनडीए है, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लेकर खड़ा है। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बिहार की विकास की परियोजना के पैसों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। याद रखिए, एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी, इनके सभी प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट जो मिलने वाला है, वो बिहार को तेज गति देगा, बिहार को नई ताकत देगा, बिहार के उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ेगा, बिहार आत्मनिर्भर बनाएगा। एनडीए को पड़ा आपका हर एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा। इन्हीं संकल्पों के साथ माता जानकी को प्रणाम करते हुए फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।